थाना बिसरख में फरवरी 2018 में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसको बाद में किडनैपिंग में चेंज किया गया था। एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी और बेटी के दो बच्चे जो हैं उनको उनके दामाद द्वारा ही किडनैप कर लिया गया है। दो महीने बाद अप्रैल 2018 में इनकी दामाद के मर्डर का एक केस कासगंज डौलना थाना में लिखा गया था। उसके अंदर जो विवेचना की जा रही थी कासगंज पुलिस द्वारा, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई और उनकी टीम कासगंज पुलिस द्वारा वो टीम बिसरख थाना क्षेत्र में आ जाई और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़का जिसका मर्डर हो गया था राकेश, वो असल में जीवित है और जो कि हमारे यहाँ पे अभियुक्त है किडनैपिंग का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इन तीनों लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो उसके द्वारा बेसमेंट में बिसरख थाना क्षेत्र में घर में दफन कर दी गई थी। सभी थाना पुलिस को साथ लेते हुए और कासगंज पुलिस के साथ इनके द्वारा जो बेसमेंट है उसको खुदवाया गया, उसमें से कुछ हड्डियाँ बरामद हुई हैं और इनको फॉरेंसिक स्टडी के लिए और डीएनए के लिए भेजा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें ये चीज़ सामने आएगी कि एग्जैक्टली किसकी जो बोन्स हैं वो किनकी हैं, और उसी के उपरांत जो मुकदमा किडनैपिंग का यहाँ लिखा गया था बिसरख थाना में, उसको चेंज करके उपरोक्त धारा के अंदर उसमें विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी और बाकी जो इसमें विधिक कार्रवाई है उसको भी जल्दी खत्म किया जाएगा।